हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टाइल टिप्स। मैं हूँ रेनी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त टिप्स, एक ज़बरदस्त स्किन केयर, जिससे कि आप आपका फाइन लाइंस, रिंकल्स, इन सब से मिल सकता है आपको छुटकारा। जब भी फाइन लाइंस, रिंकल्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि वो ओल्ड एज के टाइम ये आती है, या फिर मैच्योर स्किन में जो कि थोड़ा सा एजड है। बट ये एकदम सही नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से भी फाइन लाइंस, रिंकल्स ये सब आ सकते हैं। अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है डेली लाइफ में तो आपका रिंकल्स आ सकते हैं। डिहाइड्रेशन से रिंकल्स आ सकते हैं। अगर आपका स्किन डिहाइड्रेट है तो भी रिंकल्स आ सकते हैं। तो इसीलिए जिनका ड्राई स्किन है, जो ड्राई स्किन वाले हैं, उनका फाइन लाइंस, रिंकल्स का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। उन लोगों को रिंकल्स, फाइन लाइंस, इन सब का प्रॉब्लम बहुत जल्दी जल्दी आता है और बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो फिर भी फाइन लाइंस, रिंकल्स का प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कुछ कुछ टाइम ये जेनेटिक भी होती है। तो मैच्योर स्किन में ये ज़्यादा आता है, क्योंकि धीरे धीरे जितना भी हमारा एज बढ़ने लगता है तो स्किन का जो इलास्टिसिटी है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और उसके साथ साथ हमारा स्किन थिनर हो जाता है। सो इन सब की वजह से धीरे धीरे मैच्योर स्किन में, या फिर जितना भी हमारा एज बढ़ता जाता है, तो सब आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका अगर एज ज़्यादा नहीं है तो आपका फाइन लाइंस नहीं हो सकता है। नहीं, ये एकदम मिथ है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं आज लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त टिप्स आप सबके लिए, जो कि है एकदम हैंडी, एकदम DIY, एकदम लो कॉस्ट टिप्स। आपको बाज़ार से बहुत महंगा महंगा स्किन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो चले वीडियो स्टार्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है रॉ मिल्क, कच्चा दूध। सेकंड इंग्रेडिएंट है लेमन जूस। 1 टेबलस्पून लेमन जूस को मैं मिल्क के साथ ऐड करूँगी। मिल्क का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिए, आपका नीड के हिसाब से। अब लास्ट इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। मैंने 1/2 टेबलस्पून ग्लिसरीन को ऐड किया है। इन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब तक कि ना मिक्स हो जाए इसको अप्लाई नहीं करनी है, थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है मिक्स करके। कॉटन बॉल के हेल्प से इसको अप्लाई करनी है, जहाँ जहाँ पर रिंकल्स का प्रॉब्लम है उस एरिया को ज़्यादा करके लगानी है। मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, जो कि डेड स्किन सेल को रिमूव करता है, फाइन लाइंस को प्लम बनाता है, पिगमेंटेशन को हटाता है, रिंकल्स को कम करने में हेल्प करता है, हाइड्रेट करता है स्किन को, सनबर्न जितना भी होता है उसको रिलीव करता है। और उसके साथ लाइम जूस में होता है विटामिन सी, जो कि कोलेजन प्रोड्यूस करता है हमारे स्किन में, तो इसलिए हमारा जो स्किन का फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, वो रिमूव हो जाता है बहुत जल्द। और ग्लिसरीन तो हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, तो इन तीनों का कम्बिनेशन हमारे रिंकल्स को गायब करने के लिए बहुत ज़्यादा सही है। इसको 30 मिनट तक रख के वॉश कर लीजिए, या फिर 10 मिनट गैप में इसको लगाते जाइए, रीअप्लाई करते जाइए। तो देखा आप लोगों ने, ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स से आप पा सकते हो रिंकल फ्री फेस। आप इसको रेगुलर बेसिस में यूज़ कीजिए। ये DIY होममेड चीज़ है, तो ये सब इफ़ेक्टिव तब होते हैं जब इनको आप रेगुलर बेसिस में यूज़ करते जाओ। आप 2-3 महीने इसको रेगुलर बेसिस में यूज़ कीजिए, हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 डेज यूज़ कीजिए, तब आप डेफिनेटली डिफरेंस आपको नज़र आएंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल बटन को ऑल कर देना, और आपके सभी दोस्तों के साथ इस टिप्स को, इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना, लाइक कर देना वीडियो को। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हो, उन सब का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर लेना। इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करना, और कितना फ़ायदा आपको हुआ है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, बाय।